केवल आंचलिक दल ही ओडिशार स्वाभिमान सुरक्षा करिपार। राष्ट्रीय दल माने ओडिशार स्वार्थ विरोध प्रतिष्ठा दिवस रे एहा थिला ओडिशावासींकु साधारण सभा रे बीजेडी सुप्रीमोंको वीडियो वार्ता एपरी कही परोक्ष रे केन्द्र रे क्षमतासीन बीजेपी को टार्गेट करिछि बिजु जनता दल। किंतु एहा कण वास्तवता? स्वाधीनतार 75 वर्षर इतिहास को यदि अवलोकन करा जाए ओडिशार स्वाभिमान सुरक्षा और सम्मान रे वर्तमान मोदी सरकार का भूमिका को कण अणदेखा करा जाई पारिबो प्रश्न एथिपाई कारण तथ्य बीजेडी आक्षेप को भूल प्रमाणित करुछि। गत 8 वर्ष रे मोदी सरकार ओडिशा और ओडियांक पाई एपरी किछि कार्य करिछंती जहां अतीत रे केबे होई नथिला जहां इतिहास पृष्ठारे सबुदिन पाई स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। ओडिया जाति को यथोचित सम्मान प्रदान करिवारे मोदी साजिछंती अग्रणी बिंधाणी। तांकर नेतृत्व रे ओडिशा और ओडिया जाति को मिलिछि सर्वश्रेष्ठ सम्मान। यार सबुठू बड़ उदाहरण हेउछि जणे ओडिया झिय देशर सर्वोच्च आसन रे बसिबा। भारतर पंचदशतम राष्ट्रपति भावे ओडिया अस्मितार प्रतीक पलटिछंती द्रौपदी मुर्मू। ओडिशार आदिवासी बहुल जिला मयूरभंज एक अख्यात पल्लीर सुकन्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रर प्रथम नागरिकर मर्यादा प्रदान करिवारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूमिका थिला सबुठू गुरुत्वपूर्ण। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नर्क के पड़ी था उस जगत उद्धार, अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। बड़ार मलिक को खोजी बाहर करिबा ओ तार महक रे समग्र देश को महकित करिबा कथा केवल मोदी ही चिंता करि पारंती। ओडिशार एपरी अनेक बण मल्लिंग को तांकर लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात जरिया रे दुनिया सामना को आनिछंती प्रधानमंत्री। ओडिशार अनेक निष्ठापर तथा सृजनशील प्रतिभांक सहित वार्तालाप मध्य करिछंती। नीलगिरीर आशाकर्मी जमुना मणि सिंह, गरीब पिलांकु मणिष करुथुबा कटकर चाबिकाळी स्वर्गत डी प्रकाश राव, नर्दमा निष्कासन संपर्क रे मौलिक परामर्श देइथिबा भुवनेश्वरर सीतांशु मोहन परिडा, चित्रशिल्पी विजय विश्वाल, चिंगारी आप्र सहप्रतिष्ठाता विश्वात्मा नायक, सामरिक और अर्धसामरिक बाहिनी रे युवकंकु भर्ती पाई तालीम देउथिबा सिलु नायक, कोविड टीकाकरण विषय रे प्रधानमंत्री को चिठी लिखिथिबा पुष्पा शुक्ला, क्षुद्र जंगल सृष्टि करिथिबा अमरेश सामंत, हेन्ताला मण सृष्टि करिथिबा विजय कुमार कवि, यूट्यूब रे चर्चित चेहरा इशाक मुंडा एवं पुरी को प्लास्टिक मुक्त करुथिबा राहुल महाराणांक सह मन की बात रे कथा होइथिले मोदी। ओडिशार एते संख्यक लोकंक सह भाव विनिमय करिबा तंका ओडिशा प्रति भल पाइबार प्रमाण। हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा। ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इशाक मुंडा जी। इशाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। अपने YouTube चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं। वे अपने वीडियोज में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक खाना बनाने के तरीके, अपने गांव, अपने लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं। पूर्वरु पद्म पुरस्कार तालिका रे ओडिया लोकंकर ना खोजी निराश सेवा को पड़ुथला। राज्यर कांभा प्रतिभा को मिलुथला देशर एही मर्यादाजनक बेसामरिक सम्मान। किंतु 2015 मसीहा परठारु लगातार ओडिशार प्रतिभा पाई आसुछंती पद्म सम्मान। मनोज दास प्रतिभा रायंक परि साहित्यिकंकु पद्मभूषण रे सम्मानित करा जायथिबा बळे प्रस्तर शिल्पी सुदर्शन साहू पद्म विभूषण सम्मान पाइछंती। पद्म सम्मान पाइथिबा अनेक ख्यातनामा कवि, लेखक, नृत्यांगना, कंठशिल्पी ओ स्थपतिंकर एक लंबा तालिका एठारे प्रदान करिबा अनावश्यक। किंतु समाज पाई किछि नुआ काम करिबारे निजकु संपूर्ण समर्पण करिथिबा अथच दृष्टि आडुहाळ रे रही जायथिबा प्रतिभा मानंकु लोकलोचन को आनिछंती मोदी सरकार। हरधर नाग, मित्रभानु गौतियांक ठारु दैतारी नायक, पूर्णमासी जानिंक पर्यंत अनेक एकनिष्ठ नीरव साधकंकु यथोचित सम्मान प्रदान करिछंती एबेर केन्द्र सरकार।
ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୁଣ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସଙ୍କଟରେ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ହୁରି ପଡ଼ିଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭାଷାଟି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ, ସେ ଲେଖକଟି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ, ତା'ର ପାଠକମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏଇଟା ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ, ମୋ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ, ମୋ ପାଠକ ପାଠିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏଥିରେ ଲେଖିବେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଦେଶର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। 2014 ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଥିଲା ନଗଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଙ୍କ। ଆଦିବାସୀ ନେତା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବନିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ମୋଦି ସରକାର କାଳରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। कि ओडिशा के अच्छे दिन आ गए हैं। आप सुनिए तो क्यों अच्छे दिन आए। द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनकर बैठी है, धर्मेंद्र भाई शिक्षा मंत्री बने हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ओडिशा के हैं, हमारे टुडू भी मंत्रिमंडल में है। इतना प्रतिनिधित्व ओडिशा को आजादी के बाद कभी नहीं मिला था जितना आज मिल रहा है। कला साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करितिबा व्यक्ति विशेषंकु राज्यसभा को मनोनीत करिबा एक संवैधानिक व्यवस्था। स्वाधीनता परठु 70 वर्ष जाए कोनोसी प्रतिभावान ओडियांकु एही सुजोग मिली नथिला। प्रथम थर पई मोदी सरकार विशिष्ट स्थपति स्वर्गत रघुनाथ महापात्र एवं ख्यातनामा ओडिसी नृत्यांगना ସୋନାଲ ମାନସିଂଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଅବହେଳାରେ ପକାଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କେତେ ମହା। ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଚାଲିଥିଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଆଉ ସେଠାରେ କଟକ ସହ ବାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁନିଆକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବୟାନ କରୁଥିଲେ, ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ଛାତି। ଯାତ୍ରା ମତଲବ କ୍ୟା ହେ ଆପ ଭଲି ବାତ ଜାଣତେ ହେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କେ ବାଲି କି ଯାତ୍ରା ସୈକଡ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ओडिशा के महान नाविक कटक से निकलकर ही जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तक आते थे। आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में ओडिशा में बाली यात्रा का बहुत ही शानदार, बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ପାଇକ ବିପ୍ଳବକୁ ଇତିହାସ ଗର୍ଭରୁ ଖୋଳି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପାଇକ ବିପ୍ଳବର 200 ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୟବରାଦ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହର କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପାଇକ ବିପ୍ଳବର ମୂଳମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାଇକ ବିପ୍ଳବରେ ସାମିଲ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ରାଜଭବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନ। 2018 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପାଇକ ଇତିହାସ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣା ଚେୟାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିପ୍ଳବର ଇତିହାସ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।